जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बलूनी फिल्म्स में। मैं आपकी बार लेकर आया हूँ कोटद्वार 2। आपको लेके जाऊंगा मैं मुजफ्फरनगर, जी हाँ, जहाँ मैं घर से भाग गया था लगभग 2005 में। मैं 6 महीने कहाँ घूमता रहा, कौन कौन से मैंने अपने दोस्त बनाए हैं और सारी कहानी, और दो कहानियाँ बहुत गजब की मेरे साथ है, दो घटनाएं जो मेरे साथ हुई हैं वो भी मैं सारी इसी वीडियो में आपको सुनाने वाला हूँ। जो मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन काला कर दे, काला है तो आप मेरे साथ जुड़ चुके हो, और जल्दी से लाइक कर दो वरना आपके पास बहाना हो जाएगा कि हम आपके प्यार में बह गए थे, लाइक करना भूल गए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारे घर से। तो दोस्तों बज गए हैं 5, मैं 4:30 बजे उठ गया था, तो मैंने कहा आज जो है आधे घंटे में सब कुछ फ्रेश हो चुका हूँ, और ये रोज की तरह मेरे पीछे पीछे इंतजार कर रहा है। आज जाएंगे हम मुजफ्फरनगर, जी हाँ, 2006 में जब मैं घर से भाग गया था, तो मैं 6 महीने तकरीबन कहाँ काटे मैंने, मैं वो दिखाने वाला हूँ आपको। तो अभी हम किशनपुर में आ चुके हैं, जिम आज लड़के आके खोलेंगे, चाबी मैंने रखी हुई है, तो जो है अब देखते हैं गाड़ी किस तरह मिलती है। आज पार्टी वहाँ पर जो है रिसेप्शन पार्टी होती है दिन में। एक बार पिछली बार क्या हुआ कि मैं चला गया वहाँ, तो मैं सोचा आराम से रिसेप्शन है आज, तो उसके बड़े अपने दोस्त के बड़े भाई के शादी में गया था मैं पिछली बार। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैं पहुँचा वहाँ पे 4 बजे, तो रिसेप्शन पार्टी ख़त्म। तो आज तो मुझे पता है कि जो है मैं यहाँ पे जो है कि 12 बजे दिन में पार्टी, तो इसलिए आज मैं 4 बजे उठ गया था, तो 4:30 बजे उठ गया था, तो 5 बजे अब यहाँ से मैं गाड़ी पकड़ूंगा और 10, 11, 12 बजे तक आराम से पहुँचाऊँगा। और एक टेम्पो दिखाए नजर आइए हमारे किशनपुर में, ये बैक हो रहा है। तो दोस्तों आज मैं पूरा किराए समेत आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा लगा और कितना टाइम लगा। तो यह है हमारा कोटद्वार वीरबाल तीलू रोतेला चौक, इसे आप लाल बत्ती या नजाबाद चौराहे भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो आया मैं, 30 रुपये किराया लगा टेम्पो का, कोई 40 लेता है तो कोई 30 लेता है। आज तारीख है 5/11/2022, कोई ये किराया है, इसके बाद क्या होता है ये मुझे नहीं पता। ये सुंदर सुंदर मूर्तियाँ आपने देखी, बहुत ही सुंदर हमारे कोटद्वार किसान, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये गाड़ी वाला था, ये जा रहा था डायरेक्ट बिजनौर, तो इसने कहा भाई हमारे पास सवारी है नहीं, तो मैंने कहा मैं नजियाबाद वाली में ही बैठ जाऊँगा। तो कोटद्वार टू नजियाबाद का किराया था इस समय है 35 रुपीज़, मतलब 35 रुपये किराया है। तो यहाँ से मैं तुरंत पहुँचा आधे घंटे में, और पहुँचे पहुँचे हो गई सुबह। तो सुबह के बाद मैं उतर गया तुम्हारा नजियाबाद। तो नजियाबाद आप यहाँ पे उतरेंगे, इधर उधर नज़र घुमाएंगे तो डायरेक्ट आपको दिखाई देगा रेलवे स्टेशन के सामने पे, ये रेलवे स्टेशन है, और यहीं पे केले सेब भी आप नाश्ता करके जा सकते हो, घरवाल को ले जा सकते हो। तो यहाँ से बैठा मैं तुरंत नजियाबाद टू बिजनौर, तो बिजनौर का किराया लगा फिर यहाँ से 41 रुपीज़, मतलब 41 रुपया यहाँ का टिकट बनाया मैंने। उसके बाद जो है हम बिजनौर उतर गए। तो बिजनौर उतरने के बाद फिर हमने नजरें घुमाई, नजरें फैलाई, तो गाड़ी ढूंढी हमने मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर की काफ़ी बसें मिल जाती हैं, तो इन तो बिजनौर टू मुजफ्फरनगर का किराया था 70 रुपये। तो जो हमारी वीडियो में चुपके से आना चाहता है हम उसे डाल देते हैं, और जो चोरी छुपके आता है ना, तो वो हमारी तीखी नज़रों से बच नहीं सकता है, हमारा कैमरा कैद कर लेता है और कैमरे के अंदर हम उसे कैद कर लेते हैं। तो टोटल किराया 146 रुपये वो लगा है। तो ये महावीर चौक में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमने कहा थोड़ा नाश्ता पानी तो कुछ करे नहीं, लेकिन प्रोटीन पाउडर ही खा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास खाने के लिए कुछ था नहीं, मैं फ्रिज में चल रहा हूँ, तो इसलिए ये पहुँच चुके हैं हम। टेम्पो किराया 10 रुपये लगा और टेम्पो ने यहाँ पे पहुँचा दिया। यहाँ पे मैंने नज़रें घुमाई तो यहाँ पर मुझे अजीब चेंजेस लगा, पहले ये बिल्डिंग, ये इतनी सारी गाड़ियाँ की रोड क्रॉस करनी मुश्किल हो गई थी दोस्तों, बहुत देर तक तो मैं खड़ा ही रहा 10-15 मिनट तक। तो यहाँ पर ये गेट अभी बनाया, पहले यहाँ पर नहीं बना था। तो ये सुंदर सुंदर गन्ने के बागान आपको यहाँ पे मिलेंगे, और देसी दुकान, वाह भाई वाह, सस्ती और सुंदर दुकान, और अंग्रेजी की भी बन चुकी है, और ये ट्रैक्टर में जा रहा है गन्ने का, इससे जो गुड़ बना है, और यहाँ पे कुछ और भी काम पे लगे हैं अपने छोटे से नन्हे से
जान या हमारे इंतजार कर रहे थे लेकिन हमें देख के डर के भाग गए। आज इनसे मुलाकात करते हैं थोड़ी सी कि ये भाई कौन है, अपना नाम पता बताइए, आप लड़का हो या लड़की हो, कुत्ता हो या कुतिया हो। तो ये शायद मुझे लगा, तो मुझे तो ऐसे लगा शायद ये कुत्ता है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये कुत्ता ही है। तो आपको चाहिए तो संपर्क करें, आपको चाहिए तो हम आ जाते हैं अपने लुक में, जो हमारा ओरिजिनल लुक है, ये कमीज उतार देते हैं और चलते हैं। और चलते चलते मैं सुनाऊंगा आपको एक सुंदर सी कहानी। दो कहानी मेरे पास पड़ी है, वो मैं आपको बतलाने वाला हूँ, बड़ा दिलचस्प कहानी है वो। तो पहले अपने गेटअप चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी हो गई थी टंकी फुल और सुबह से हमने खाली करी नहीं, तो ये सुंदर सुंदर गन्नों में हमने एक कोना देखा और वहाँ पे हम शुरू हो गए हमें टंकी खाली करने पे। तो टंकी खाली हो चुकी है, हम चुके हैं हल्के। अब दो कहानियाँ हमारे पास है, कौन सी कहानी सुनना चाहोगे? सबसे पहली कहानी तो है एक्सीडेंट हो गया था हमारा रात 10 या 11 12 बजे के टाइम पे, और दूसरा कि एक मोहल्ले में फंस गए थे, लड़ाई लड़ाई का झगड़ा था, तो वहाँ पे हम बचे, पुलिस केस हो जाता शायद अगर जो हम वहाँ, और दे रहे पिटने पिटने से बाल बाल बचे। तो पहला वाला कौन सा सुनोगे? तो पहला वाला बता देता हूँ मैं कि हम रात को 10 बजे जो है, तीन आदमी, बाइक स्कूटी भी नहीं थी, और हाईवे में जो है मोपेड जो हल्की वाली पिक्की होती है उसको लेके हम जो है आ रहे थे रात को 10 बजे। तीन आदमी बैठे थे, एक चलाने वाला, दूसरा एक ने बंदूक पकड़ दी, क्योंकि बंदूक वहाँ पे जो है बहुत शांत चिताया जाता है कि जो है बंदूक लेके हवाई फायर करते हैं देश प्लेन्सों में, तो वही एक बंदूक लेके पीछे था, और सबसे आखिरी में बैठा था मैं। तो जो है कबाड़ियों की दुकान के आगे जो बड़े बड़े टायर रखे थे दोस्तों ट्रक के, तो वहाँ से जब हम फास्ट भागते हुए तो ट्रक तो दिखा नहीं, ट्रक का टायर तो दिखा नहीं, लेकिन उसे चढ़ा दी गाड़ी बिल्कुल ट्रक के ऊपर, और आर पार जब हुई पूरी उछलती हुई गई गाड़ी। तो सबसे पहले तो था गाड़ी चलाने वाला, दूसरा था गाड़ी के ऊपर बंदूक पकड़ गया उसके ऊपर चला, और उन दोनों के ऊपर पड़ गया मैं। तो भैया उस दिन भी बड़ी मुश्किल से, वो रात बड़ी ही भयानक रात थी। तो अगर जो कोई और गाड़ी, वो भी हाईवे रोड पे जो है शादी से आ रहे थे हम, तो उस दिन हम ये बचे, बहुत बढ़िया मोमेंट था वो। तो दूसरा मोमेंट बताता हूँ मैं, वही लड़का जो गाड़ी चला रहा था वो मेरी जान पहचान का था, उसी के थ्रू मैं यहाँ पर आया था। मुजफ्फरनगर में उसकी बहन रहती है, तो मैं वहाँ था रात में, तो इस गांव से उसकी दो दो बहनें रहती हैं, तो दूसरी बहन के यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा था उनके देवर जेठ जुड़ के यहाँ पे। तो आधी रात को आता है वो दूसरी बहन के यहाँ में खड़ा था, आधी रात को बोलता देख अभी मैं मारूंगा कोटूंगा। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने सोचा शायद ये जो है किसी टेम्पो वाला से लड़ लिया, किराया मांग रहा था या क्या मांग रहा था। तो मैंने कहा चलो फिर कहाँ जाना है, तो मुझे अपने साथ ले गया। जब मैं उसकी दूसरी बहन के घर पे गया तो वहाँ भाई साहब हाथापाई हो रही थी, दुशुम दुशुम बड़ा भाई भी था वहाँ पे, एक आदमी और था, ये तीन थे ये, तो चौथा मैं भी चले गया। मैंने अंदर देखा तो वहाँ हाथापाई चल रही, उसके भाइयों को घेरा कर धन बॉक्सिंग चल रही। तो मैं भी गया, मैंने कहा भाई क्या कर रखा है, हटा हटाओ। मैंने थोड़ा सा हटाया, उसके बाद थोड़े हटे, दूसरे कमरे में दूसरे को ले गए, फिर उसकी पिटाई होने लगी। मैंने कहा ये क्या, ये तो मामला हो गया उल्टा। तो उसके बाद फिर गांव वाले मोहल्ले वाले जो है बाहर खड़े हो गए, और मोहल्ले आपको पता है मोहल्ले वहाँ पे जो गली भी ख़त्म ही हो गई थी, तो लास्ट गली थी वो। तो मोहल्ले वाले खड़े हो गए और अंदर उन लोगों ने बोला कि भाई इनको सबको पकड़ लो, सालों को पुलिस के हवाले करो। अब जब उन्होंने ऐसा सुना कि पुलिस के हवाले चलो, तो मैंने जो है वो गेट में खड़ा हो गया, एक मोटा सा बढ़िया टाइप का आदमी, आपको मोटा तकड़ा होता है, तो वो जो है वहाँ पर बैठ गया और यूँ करके हाथ करके उसने दोनों दरवाजे बंद कर दिए। अब मैंने कहा क्या करूँ भाई, अब तो हम फंस गए, गांव वाले आ गए अब तो। तो मैंने जो हाथ से मारी चटाक से, जोर से, इतनी जोर से मारी मैंने हाथ पे कि उसका हाथ छटक गया, और मैं तुरंत उठा और बाहर भागा। तो बाहर जैसे भागा तो भीड़ खड़ी थी, बोलो पकड़ो पकड़ो ये भाग रहा है। तो मैं वहाँ से भागते हुए, मैंने कहा कोई आगे आए तो धक्का देखे मैं भाग जाऊँगा, तो कोई आए नहीं मेरे पास, खड़े हो गए। मैं वहाँ से भागा भागा मेन रोड में निकला। जब मैं मेन रोड में निकला भागते हुए, तो मुझसे पहले गैस कर सकते हो कौन भाग रहा था भाई? जो मुझे ले गया था अंदर, जिसके बारे में सोच रहा था कि ये पिट रहा है अंदर, वो भाई साहब मेरे से पहले सड़क में दौड़ रहा है। उसके चक्कर में मैं वहाँ रुक जाता तो और बुरी तरह पिटता भैया। तो उसके बाद मैं भागा भागा, वो भी भागा भागा, फिर मैं उसकी छोटी बहन के घर गया। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हो गया वहाँ लड़ाई,
तो आप जाओ और मुझसे सजाओ। तब उसकी बहन गई वहाँ पे, जो भी काम को मुझे होगा। तो उस दिन में बचा, अगले दिन अखबार में आया था कि बाहर से लड़के बच्चे मार पीटने के लिए आए थे, घर में बदमाश लेके आए थे, देहरादून का कोई था, ऐसे करके मेरा नाम लिया गया। उन्हें मेरे बारे में पूरा पता नहीं चला, लेकिन उस दिन भी बचे। तो दोस्तों कहानी हुई खत्म और यहाँ पे लगा ताला। बज गए हैं यहाँ पे 9:30 बजे, मैं पहुंच गया हूँ। इस ताला में आप नहा सकते हैं, धो सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो एक और खुशखबरी यहाँ पे निकला, गोल्ड जिम। यहाँ भी जो एक जिम खुल चुका था, उस समय नामो निशान नहीं था, तो इसको भी छोटा अड्डा कहा जाता है। एक बड़ा अड्डा आगे कहा जाता है जहाँ से मैं बैठा था। तो आप वैसे गाड़ी में भी आ सकते हैं, लेकिन मैं पैदल ही आया। पैदल आता तो इतना अच्छा कहानी मैं आपको कैसे सुनाता। तो यहाँ की तो मुझे आदत पड़ गई थी, यहाँ की आप देख सकते हो कैसे है, लेकिन मुझे अच्छा लगने लग गया था दोस्तों। हेलो, आज मैंने कहा पहुंचे जाते हैं। ये बिल्कुल छोटे कितने साल का दोस्तों में? छोटे छोटे बच्चे थे उस समय जब मेरे सामने आते थे। और आप देख रहे हैं कौन मिलता है, शायद अनिल। और दूसरा मिला है और नंबर ही निकल गया। और ये मिला है हमें, कितने पर, ये देखो कितना मोटा हो गया, बहुत पतला हुआ करता था ये, गाल फूल गए हैं बहुत ज्यादा। इनका नाम है अनिल, इनकी टीवी की दुकान हमारे जिम में। सबसे पहले सीडी प्लेयर तुम्हारे यहाँ से आया था, और वो एक बाउ बॉक्स भी, हाँ जो बचा था उसमें टेप रिकॉर्डर। हेलो, ठीक लगे भैया, क्या हाल है तुम्हारे? आप सुनाओ, ठीक ठाक? बस सब ठीक। आओ अभी आएगा। हेलो, क्या हाल है? सब बड़े बड़े हो गए, सब मोटे मोटे हो गए। हाँ तो बोर कर लेता। क्या हाल है भैया? ठीक हो? बस सब आए थे, मैं अभी आ रहा हूँ यार। अभी आए? हाँ, सब बुढ़े बुढ़े हो गए तुम तो, छोटे छोटे थे। और सुनाओ, और कहाँ है पापा? ये अरे भैया, अरे भाई तुम कहाँ? और बढ़िया, नाना अभी तो आया अभी। हाँ अच्छा, प्रोग्राम तो दिया था 4 तारीख का, अरे 5 तारीख में है। फोन ही नहीं किया? फोन नहीं किया कि क्या बात है, जब सारा प्रोग्राम है भूलने क्या बात थी। ये दुल्हे देखो, हमसे भी मोटे हो गए। शादी से बहुत खुश हो गए। ये सुनील भाई का घर है ये? हाँ। अच्छा सुनील भाई, खड़े हो जाओ। ये हमारे सुनील भाई है, विनय बाग के आदमी। और तुमसे तुमने क्या सोचा, कौन आया पहचान गए? सो रखे थे, खराटे मारे थे बहुत जोर जोर से, और ये बहुत पुराने मित्र हैं हमारे। सो गए अंतरे। अरे कहाँ है भाई? अरे पारी करो, पारी करो, पारी करो, प्यार कर दो बाबा, पारी करो बाबा जी के, पारी करो, कर दो बाबा। बाय 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 बाय। क्या बन गया? अरे अरे अरे, हाँ अरे
कैसे करते हैं भाई? नहीं 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 ऐसे नहीं भाई, नहीं भाई फोन नहीं लेते। तो दोस्तों यहाँ भी मैं रहा हूँ और अब जहाँ जा रहा हूँ यहाँ भी मैं एक दो महीने करीब रहा हूँ इनके घर में भी। अब लोकेशन बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, ये मनोज भाई है हमारे। कौन है डॉक्टर के यहाँ था जो? अब भैया तू तो बहुत मेरे को पता नहीं कौन बड़ा आदमी बैठा हुआ, बड़ा आदमी खड़ा उठा है छोटा ही हम तो। दुबला पतला हुआ करता था ये तो डॉक्टर की दुकान में, बहुत छोटा सा। अबे भैया क्या क्या हो गया ये छोटे छोटे बच्चों को? तुम्हारी बॉडी तो झुकी हुई है। तेरा भी वही वाला गाना याद में जरा गा तो, कौन सा गाना गया था तूने? उस टाइम पे वो चल रहा था 2006 में, जी जिने मेरे मार सुटिया। क्रिकेट में जब हम क्रिकेट में क्या चल रहा। तो दोस्तों उम्मीद से पहले मैं यहाँ पे पहुंच चुका था तो, लेकिन ये दूल्हे जी हैं, दूल्हे जी ने कहा चलिए हम आपको ले चलते हैं जहाँ हमारा मंडप सज रहा है, जहाँ पर मेहमान आने वाले हैं, वहीं पर छोटे अड्डे के पास ही पे है ये पेंडिंग पॉइंट और यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे अभी। और अभी रुकेगा खाने पीने खा के जाएगा, क्योंकि खाने पीने और दूल्हा दुल्हन को भी तो आपने देखना है दोस्तों। तो दूल्हा जी यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे और ये थालियाँ सज चुकी है और ये तैयार हो चुकी है खाने की आपको जो इच्छा है। हमारी तरफ से पार्टी है दोस्तों, जो मर्जी वो खाइएगा। देखो डोसा है, ये डोसा का बन रहा है और ये क्या था ये यार, ये चाउमीन वगैरह 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 मैं खाता हूँ नहीं, लेकिन ये कई प्रकार की दालें, कई प्रकार के स्वीट्स और कई प्रकार के गोलगप्पे और यहाँ पे हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन पहले मैं खा लेता हूँ और मैं पिलाता हूँ फेवरेट, सबसे पहले मैं यही खाता हूँ और आइसक्रीम। और आपने कभी चिकन बना दिया तो मुझे ज़रूर बुलाना क्योंकि मैं सारा चट कर जाऊँगा। और ये हमारे दोस्त की मम्मी है, बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छी, लेकिन पिताजी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके पिताजी अब हमारे बीच नहीं है। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के साथ हम भी चाह रहे थे कि फ़ोटो खिंचवा ले, लेकिन जो है दूल्हे को तो भाई फुर्सत ही नहीं थी अपने मेहमानों के साथ फ़ोटो खिंचवाने की। तो मैं सोच रहा था ये शूट करते हुए मैं खड़ा हो जाऊँ जरा बगल में, तो मैं भी एक पोज तो ऐसे नहीं हुआ तो मैं ऐसे ही खिंचा लेता हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए क्लिक करें और वीडियोस हमारी नीचे। दोस्तों हमारी और भी वीडियो देखने के लिए आप नीचे क्लिक करें, इधर व्लॉग के लिए क्लिक करें और इधर कॉमेडी के लिए व्लॉग करें, कॉमेडी व्लॉग कॉमेडी व्लॉग।